हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों की तीसरी वीडियो ला चुका हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे एक दोस्त हैं जिनको कुछ सजेशन चाहिए, और देखते हैं उन्हें क्या सजेशन चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन, क्या सजेशन चाहिए तुम्हें? यार मुझे एक ईयरफोन चाहिए था। क्या चाहिए तुम्हें, वायरलेस या फिर वायर्ड? वायर्ड ईयरफोन चाहिए। वायर चाहिए था? कितने तक की बजट है तुम्हारी? नॉर्मल बजट आज के टाइम पे 600-700। 600-700 रेंज में तुम्हें बढ़िया सा एक ईयरफोन चाहिए। हाँ, सस्ता तुम्हारे। हाँ, मजबूत होना चाहिए। इससे पहले बहुत सारे ईयरफोन ट्राई किए लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक उन टिक नहीं पाते, जिसकी वजह से मुझे एक ऐसा ईयरफोन चाहिए जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो और लंबे लॉन्ग लास्टिंग हो। सारी चीज़ ये हो कि वायर में ही चाहिए, वायर में इसलिए चाहिए कि मुझे चार्जिंग वार्जिंग का झंझट नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो एक ईयरफोन जो मैं सजेस्ट करूँ, बहुत बढ़िया है। आँख बंद कर, तेरे ईयरफोन तेरे सामने होगा। वाह, क्या बात है, काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग की गई है। तो इसके अनबॉक्सिंग में देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। चलो आओ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास रियलमी बड्स 2 का बॉक्स है। आप पैकेजिंग में जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 11.2 mm का बूस्ट ड्राइवर दिया गया है, जो कि एक इसकी साउंड क्वालिटी को बढ़िया कर देता है। और यहाँ पे बॉक्स कंटेंट देखते हैं इसमें क्या है। बॉक्स निकालते हैं तो यहाँ पे आपको ईयरफोन दिख रहे होंगे। तो ओपन करते हैं, इसमें क्या है, ईयरफोन को निकालते हैं। उससे पहले इसमें देख लेते हैं और क्या। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ईयरबड्स दिए गए हैं, अगर इन केस आपके ईयरबड्स खो जाते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल चीज़ है। और बॉक्स में कुछ भी नहीं मिलता, एक कागज़ है, यूज़र गाइड जिसे बोलते हैं। बाकी और हमारे साथ इन सब चीज़ को साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारे ईयरफोन। तो हम लोगों ने ये ईयरफोन को निकाल लिया हुआ है। आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं कैमरा फोकस करके दिखा देता हूँ। और एक यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैग्नेट हैं, पॉज प्ले जैसे आप यूज करते हैं, तो अगर आप ये नहीं यूज कर रहे हैं तो आप इसको मैग्नेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक साउंड और जो आपका जो मीडिया होगा वो बंद हो जाएगा। ये एक ब्रेडेड केबल दी गई है इसमें, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप मतलब कितना भी कर लो, कितना भी तोड़ मरोड़ लो, ईयरफोन नहीं टूटेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। गला कट सकता है लेकिन ये वायर नहीं टूटेगी, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अभी हम मेन फोकस करते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी। तो साउंड क्वालिटी के लिए मुझे एक जो मेरे दोस्त हैं उन्हें ही यूज करना ये चीज़, तो वो अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करेंगे। तो उन्हें देता हूँ मैं इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। आपने ये ईयरफोन को यूज किया, आपको कैसा लगा? ऑसम, बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी इसकी, बहुत बेस्ट है। मतलब आपके ईयर्स में लगाने पे किसी टाइप का कोई भी तकलीफ नहीं होता और बहुत ही अच्छी वॉइस इस पे है। आप एक बार लगाएंगे, लगाते ही सॉन्ग सुनते सुनते आप झूमना शुरू कर देते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी है, बेस भी इसका बढ़िया है और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये ईयरफोन आप कब से यूज कर रहे हैं? तो 3 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और इसको यूज़ करके मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मैग्नेट, जब मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक पॉज हो जाता है। तो ये तो बहुत बेस्ट चीज़ है। बिल्कुल, और थैंक यू सो मच भाई, तुमने मुझे रिकमेंड किया ये ईयरफोन, इसके लिए बहुत थैंक यू। आई एम हैप्पी विद दिस ईयरफोन।